बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी केक रस्क। केक रस्क किस तरह और किस तरीके से बनेंगे जाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। केक रस्क बनाने के लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अब मैंने जूसर में अंडे शामिल कर दिए हैं। 4 अदद अंडे मैंने शामिल कर दिए हैं। ये केक मैं जूसर के अंदर बनाऊँगी। अब ये अंडों को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। ये देखें कितना अच्छी तरह ब्लेंड किया है कि इसकी झाग आ गई है। आपने भी इसी तरह ही करना है। अब मैं इसे चीनी शामिल करूंगी। चीनी 1 कप है, अब मैं शामिल कर दूँ। ये 1 कप चीनी लेनी है आपने। अब दोबारा मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। अब चीनी अच्छी तरह मैंने ब्लेंड कर ली है जूसर में। अब मैं ऑयल शामिल करूँगी। 1/2 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। ये 1/2 कप ऑयल है, मैं दोबारा इसे ब्लेंड करूंगी। अब मैंने इसमें 1/8 टीस्पून वेनिला एसेंस शामिल कर दिया है। अब मैं बाउल में ये सब मिक्सचर शामिल कर रही हूँ। दो कप मैंने मैदा लिया था, इसे मैंने अच्छी तरह छान लिया था। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है और अब मैं इस मिक्सचर में शामिल करूंगी। अब जो मैं मैदा वगैरह और बेकिंग पाउडर इस मिक्सचर में शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। एक साइड पे इसे ही आपने मिक्स करना है। जिस तरह से आपने शुरू से टेबिस कर हिलाया है उसी साइड से आपने रखना है, आपने साइड चेंज नहीं करनी। अब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक मोल्ड में शामिल करूँगी। अब मैं इसे मोल्ड में शामिल कर रही हूँ। ये चौरस मोल्ड लेना है केक रस्क के लिए, क्योंकि शेप इसी तरह ही आएगी। और मैंने ऑयल लगा के बटर पेपर लगाया है और उसके ऊपर भी ऑयल लगाया है। अब मैंने मिक्सचर को मोल्ड में डाल दिया है और इसमें टैप टैप कर दिया है। अब मैं इसे पतीले में रखूँगी। इस बड़े पतीले में मैंने स्टैंड रख के इसे गर्म कर लिया है। अब मैं मोल्ड रखूँगी। पतीले में रख दिया है मोल्ड, इसे हल्की आँच पकाना है। अब हमारा केक तैयार हो गया है। मैंने जो स्टिक होती है उसे चेक कर लिया था। केक हमारा तैयार हो गया है। अब हम जो ठंडा हो गया फिर इसकी कटिंग करेंगे। केक रस्क के बराबर इसकी कटिंग करेंगे, फिर दोबारा रखेंगे। अब मैंने इनकी कटिंग कर ली है, रस्क केक की बराबर कटिंग की है। अब मैं इसे दोबारा उसी पतीले में रखूँगी और उसी आंच पे इनको थोड़ा मैं पकाऊँगी और थोड़े देर बाद मैं इनको पलट दूँगी ताकि हर साइड से पक जाए और इनको खुश करना है। माशाल्लाह से हमारे रस केक तैयार हो गए हैं। इस रस केक को ज़रूर ट्राई करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आखिर में जब वीडियोस हैं इनको ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।